देखिए दोस्तों, मैं एक रेसिपी बता रही हूँ, ये सूजी का हलवा। ये मैंने सूजी ली है, एक कप दूध सूजी ले ली है, और घी, गाय का घी हो तो अच्छा रहे। देखिए दोस्तों, मैंने सूजी का हलवा बना रही हूँ जो बहुत पौष्टिक होता है। ये मैंने सूजी ली है एक कप, ये मैं इसमें डाल देती हूँ घी में, गाय का घी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखिए हमने ये 3 मग पानी डाला है चाशनी बनाने के लिए, आप ये बात देख सकते हो, ये 3 मग है। अब हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं। देखिए हमने ये जैसे 3 कप हमने पानी लिया तो आधा कप हमने शक्कर लिए जो हम इसमें डाल रहे हैं। अब ये देखिए हमने डाल दी है, इसको हम इसको उबालने देंगे, और उबालने के बाद ये घुल जाएगी शक्कर, फिर हम इसमें डालेंगे आगे की। फिर देखिए आप आगे इस वीडियो में देखिए चाशने के बाद हम क्या करते हैं, आप इस वीडियो में आगे देखिए। सूजी भून चुकी है, अब हम इसमें एलोवेरा डालेंगे। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, डालने में भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, डालने का स्वाद भी बढ़ता है। और हम इसमें एलोवेरा डाल चुके हैं, इसको अच्छी तरह आपको सेकना है। देखिए ये एलोवेरा हमारे घर का है, इसको काटने का तरीका आप देख लीजिए कि किस तरह हमने इसको इसके पीस काट के हलवे में डाले हैं सूजी में। इसके 2 पीस कर लेना है, कांटे हटा लेना है, फिर इसको ऐसा छील लेना है, इसको ऐसा छील लेना है, और इसको ऐसा करके इसके पल्स निकाल लेना है, फिर इसमें डाल दिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह देखिए ये सूजी भुन चुकी है, और ये हमने जो शक्कर हमने सिर्फ घोला है, हमने चाशनी नहीं बनाई है, इसमें चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें शक्कर को घोलना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कचरा है तो आप छान लीजिए, लेकिन इसमें अभी कचरा नहीं है तो हम इसे डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो हमने ये शक्कर का घोल इसमें डाल दिया है। देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा हलवा बन गया है, कितना अच्छा स्वादिष्ट और पौष्टिक हलवा बन के तैयार हो गया। मैं गैस को बंद कर देती हूँ, ये बहुत ही अच्छा बना है। इसका रेसिपी आपने देख ही लिया, क्या इसमें घी, गाय का घी हो तो और अच्छा रहता है, भैंसा ये अपने घर का बना हुआ भैंस का घी है, और अपन नहीं मिलता कोई भी घी में बना सकते हैं। ये हलवा बन गया है और बहुत ही पौष्टिक है, इसी तरह आप बनाइए और बच्चों को खिलाइए। इसमें एलोवेरा का पल्स भी मिला है और रवा मिला है, बहुत अच्छा घी हलवा बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे भेजिए सब्सक्राइब के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।